मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी, जिनका नाम इंडिया के बाहर भी लोग मुंह जुबानी जानते हैं, उन्हें मिली है जेल की सजा। जी हाँ, पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी को जेल भेज दिया है। आप में से शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे कि दलेर मेहंदी पर 15 साल पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ था। उन पर लोगों को इलीगल तरह से अब्रॉड भेजने का इल्जाम लगा था। कहा गया था कि दलेर मेहंदी लोगों से काफी मोटी रकम लेकर उन्हें बाहर भेजने का वादा करते थे। दरअसल 2003 में शमशेर मेहंदी, जो दलेर मेहंदी के बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ लोगों को डांस ट्रूप्स का पार्ट बनाकर इलीगल तरह से अब्रॉड ले जाने का आरोप था। पूछताछ में दलेर मेहंदी का भी नाम इस मामले में सामने आया था। इस केस में वो और उनके भाई दोनों पर आरोप लगाया गया था कि वो पैसेज मनी के नाम पर लोगों से 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। 1998 और 1999 के दौरान दलेर मेहंदी ने कम से कम 10 लोगों को इलीगल तरह से सैन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी में छोड़ दिया था। 2003 में जैसे ही ये केस दर्ज हुआ, दोनों भाइयों के अगेंस्ट ऐसे 35 और कंप्लेंट सामने आए थे। लोगों की शिकायतों के हिसाब से डील कभी मैच्योर नहीं हुई और ना ही उन्हें उनका पैसा रिफंड किया गया। उसके बाद 2006 में उनके दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले ऑफिस पर भी रेड हुई थी, जहां पर कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पैसेज मनी भी कलेक्ट किए गए थे। उन्हीं सब एविडेंसेस की वजह से 2018 में कोर्ट ने दलेर मेहंदी को 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत भी मिली थी कुछ ही दिन के अंदर अंदर। लेकिन उसके बाद आज जाकर इस केस पर फाइनल वर्डिक्ट सामने आया है। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट में ही दलेर मेहंदी को अरेस्ट कर लिया गया। पहले उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया और वहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। जब से ये खबर कंफर्म हुई है, हर जगह बस दलेर मेहंदी को लेकर ही बातें हो रही हैं। कई फैंस हैं उनके मायूस, तो कई लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करना भी उनके काम नहीं आया। लेकिन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। आपको बता दें कि दलेर मेहंदी पटना में पैदा हुए। 1991 में उन्होंने अपना, अपने कजिन्स और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक म्यूजिकल ग्रुप बनाया। 1994 में उन्हें वॉइस ऑफ एशिया इंटरनेशनल एथनिक एंड पॉप म्यूजिक का भी खिताब मिला। दलेर मेहंदी सिंगर तो है ही, साथ में वो सॉन्ग राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भांगड़ा को पूरे वर्ल्ड में फेमस करने में दलेर मेहंदी के कई हिट सॉन्ग्स का भी बड़ा हाथ है। ना ही उन्होंने सिर्फ पंजाबी सॉन्ग्स गाए, बल्कि बॉलीवुड में भी कई सुपरहिट गाने दिए, जैसे रंग दे बसंती और जोर का झटका। दलेर मेहंदी की डेब्यू एल्बम का गाना बोलो तारा रारा उनका सबसे हिट गाना था, और उस एल्बम से दलेर मेहंदी को पॉप सिंगर के रुतबे से भी जाना जाने लगा। फिर 1997 में उन्होंने अपना थर्ड एल्बम लॉन्च किया, जिसका नाम था बल्ले बल्ले, और वो भी काफी फेमस रहा। उसके बाद तो जैसे जैसे दलेर मेहंदी गाने गाते रहे, वही गाने सुपरहिट होते रहे। उनके गाने आज भी इतने हिट है कि रिलीज होने के इतने साल बाद भी उनके कई गाने आज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दलेर मेहंदी इतने सालों में बहुत कम ही बार ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से खबरों में आए हैं। लेकिन हाँ, ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था, जिस पर चर्चा 2008 में शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब उस केस का फाइनल वर्डिक्ट सामने आया है और दलेर मेहंदी को 2 साल के लिए जेल भेजा गया है, तब से उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग शॉक में हैं।